नमस्कार, वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा, खाना मनपसंद में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की रेसिपी है बिना प्याज लहसुन के आलू की सब्जी, जो कि बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनी है। बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इस सब्जी को सर्व कर सकते हैं पूरी के साथ, कचौरी के साथ, दाल वाली पूरी के साथ, चावल के साथ। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यकीन मानिए। आप इसे खस्ता कचौरी के साथ, समोसे के साथ, किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। ये हर चीज के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये आलू की सब्जी, चाहे आप कम क्वांटिटी में बनाएं या ज्यादा क्वांटिटी में, टेस्ट बिल्कुल सेम आएगा। तो आप किसी ओकेजन पर भी ट्राई कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी से बन जाती है, झटपट बन जाती है। तो आप इसे किसी साइड डिश की तरह भी सर्व कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से ये आलू की सब्जी, जिसमें कोई प्याज नहीं है, लहसुन नहीं है, इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 5 बड़े साइज के आलू लिए हैं, इनको उबाल लिया है। इसको हम मोटा मोटा तोड़ लेंगे, इस तरह से हाथ से तोड़ लूंगी मैं, क्योंकि हमें इसे बारीक नहीं करना ज्यादा, थोड़े मोटे और थोड़े बारीक चंक्स चाहिए। तो मैं इसको पहले इस तरह से रेडी कर लूंगी। तो मैंने आलू मोटे मोटे मैश कर लिए हैं, तो अब हम सब्जी बना लेंगे। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून सरसों का तेल। आप इसे देसी घी में भी बना सकते हैं, उसमें भी इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तेल को 1 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि इसका कच्चापन जो है वो चला जाए। देखिए तेल अच्छे से पक चुका है, हम गैस बंद कर देंगे, क्योंकि अगर आप गैस नहीं बंद करेंगे तो ये एकदम से मसाले इसमें जल जाएंगे। तो इसको मैं 1 मिनट के लिए ठंडा कर लूंगी। तेल हल्का सा ठंडा हो चुका है, इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच जीरा, और इसी के साथ में यहाँ पर 1/4 चम्मच सौंफ और 1/4 चम्मच मेथी दाना ऐड कर रही हूँ। गैस बंद कर दी है मैंने, क्योंकि तेल काफी गर्म है। इसी के साथ यहाँ पर खड़े मसाले डाल देंगे, 1 तेज पत्ता, 2 लाल मिर्च, और बाकी के जो मसाले हैं वो भी मैं डाल दूंगी, जैसे कि दालचीनी, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, इनको भी डाल देंगे। कॉलरा सब मिक्स कर देंगे, बस जीरा जो है वो जलना नहीं चाहिए। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ साबुत धनिया 1 बड़ा चम्मच, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप भी एक बार जरूर ऐड करके देखिएगा। गैस का फ्लेम जो है वो बंद है। 1 टीस्पून देगी मिर्च ऐड कर रही हूँ मैं कलर के लिए। अगर आप इस स्टेज पर ऐड करेंगे तो सब्जी में कलर जो है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। और इसी के साथ डाल देंगे टमाटर, लगभग 4 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं मैंने। मैंने अभी तक गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया था, तो अब मैं इसका फ्लेम ऑन कर दूंगी। अगर आप ज्यादा अमाउंट में आलू की ये वाली सब्जी बना रहे हैं, भंडारे वाली, तो आप इसमें 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून बेसन भी ऐड कर सकते हैं, जिससे इसकी तरी जो है वो जल्दी से गाढ़ी हो जाती है। भून करके बेसन इसमें ऐड करें, इसी समय पर डाल दें और उसके साथ ये सब चीज़ें पकाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी जो ग्रेवी है वो बनेगी। बट मुझे बेसन वाला टेस्ट इतना पसंद नहीं आता, इसलिए यहाँ पर मैं बिना बेसन के बना रही हूँ। ये वाली रेसिपी लगभग 100 बार से भी ज़्यादा ट्राई की हुई है, तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया बनती है। और मुझे लिख करके बताइएगा कि आप इसे कैसे बनाते हैं, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं यहाँ पर 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और ये हरी मिर्च जो है वो कद्दूकस करके डाल रही हूँ। इनको हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि टमाटर ऑयल ना छोड़ दे। उससे पहले हम इसमें मसाले डाल देंगे। 1 1/4 टीस्पून नमक, यानी कि 1/4 चम्मच नमक डाला है मैंने यहाँ पर, सेंधा नमक है ये। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। आप इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर जरूर डालें, क्योंकि उसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज्यादा यमी लगता है इस सब्जी में। टमाटर अच्छे से भुन चुके हैं, जैसे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इन्होंने ऑयल छोड़ दिया है। इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी और इसको भी मिक्स कर देंगे। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे ये उबले हुए आलू और इनको मिक्स कर देंगे मसाले के साथ। अगर किसी आलू का आपको साइज ज़्यादा बड़ा लगे तो उसको हम इस तरह से कच्ची से तोड़ देंगे और मसाले के साथ आलू को 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो इसको चलाते हुए इस तरह से 1 से 2 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। आलू को भूनते हुए मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया था, आप देख सकते हैं अब आलू कढ़ाई छोड़ने लगे हैं और नीचे से चिपक नहीं रहे हैं, ये देखिए। तो इस तरह से जब ये हो जाएं तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसमें मैं लगभग 3 कप के करीब पानी डाल रही हूँ, इसको एक बार मिक्स कर देंगे। और पानी डालने के बाद इस सब्जी को हम लो फ्लेम पर रख देंगे पकने के लिए लगभग 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे होगा ये कि ये जो आलू हैं इनमें
मसालों का अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा और सब्जी बहुत ही बढ़िया बनती है। बस इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर रख दे 10-15 मिनट के लिए और बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर पकने दे मसालों के साथ। तो सब्जी में उबाल आने लगा है तो मैं इसे कवर कर दूंगी, 10 मिनट के लिए कवर करके पकाऊंगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि सब्जी किस तरह की रेडी हुई है। तो इसे 10 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेंगे। तो ये देखिए किस तरह से इस पर साइड्स पर ऑयल आ गया है, इसको हम एक बार हिला देंगे। तो सब्जी रेडी हो चुकी है, इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला। आप चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। देखिए किस तरह से गाढ़ी गाढ़ी सब्जी बनी है, बिल्कुल उसी तरह की जैसे कि भंडारे में सब्जी मिलती है। ये देखिए सब्जी का टेक्सचर और टेस्ट भी बिल्कुल वही है जो भंडारे वाली सब्जी का होता है। तो इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। आलू टमाटर की भंडारे वाली सब्जी बनकर के रेडी है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं और यकीन मानिए ये जो आप प्याज लहसुन वाली आलू टमाटर की सब्जी बनाते हैं उससे भी बहुत ज्यादा यमी बनती है। जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल रेसिपी है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। इसको हम बहुत थोड़े से हरे धनिया से गार्निश कर देंगे। तो ये देखिए आलू टमाटर की भंडारे वाली सब्जी, कलर भी बहुत अच्छा आया है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। तो प्लीज इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर योर फीडबैक विद मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय द रेसिपीज। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, बाय।